Hello students, so in this video today we will discuss about informal letter as you can see. Okay, so first of all जानते हैं कि informal letter क्या होता है. As I discussed earlier that letter has a two part. Okay, जो letter होते हैं उनके दो part होते हैं. एक होता है formal और एक होता है informal. ठीक है, तो फॉर्मल लेटर क्या होता है. फॉर्मल लेटर जैसे कि हम जब किसी भी ऑफिशियली किसी को कोई लेटर लिखते हैं, ठीक है, और उसका जो लैंग्वेज होता है वो काफ़ी क्रिटिकल होता है, काफ़ी ऑफिशियल होता है. उसमें काफ़ी सारे वर्ड्स, उसमें हमें पर्टिकुलर उसको काफ़ी रूल वाइज और ग्रामेटिकली लिखना पड़ता है, उसको बोलते हैं फॉर्मल लेटर. जैसे किसी ऑफिस में कोई रेजिग्नेशन देना हो, अपॉइंटमेंट लेटर हो गया, कोई एप्लीकेशन हो गया, तो ये सारे जो है वो फॉर्मल लेटर्स के अकॉर्डिंग आते हैं. और इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं. इनफॉर्मल लेटर जैसे कि आप अपने पेरेंट्स को लिख सकते हैं, आप अपने फ्रेंड को लिख सकते हैं, आप अपने ब्रदर सिस्टर्स को लिख सकते हैं, या किसी रिलेटिव को लिख सकते हैं. तो ये सारे जो होते हैं वो होते हैं इनफॉर्मल लेटर. और इनफॉर्मल लेटर में जो लैंग्वेज होता है, इसमें जो कंटेंट होता है वो काफ़ी कैजुअल होता है. उसमें आप अपने हिसाब से अपने मन की बात उसमें लिख सकते हैं. ओके, सो देखिए इसमें एक है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं. देखिए क्या टॉपिक है आज इसका. राइट अ लेटर टू इनवाइट योर अंकल ऑन योर बर्थडे. ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने अंकल को इनवाइट करना है अपने बर्थडे पे. तो आप कैसे लिखोगे. फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक एड्रेस लिखते हो. ठीक है, तो ये एड्रेस किसका है. ये सेंडर का एड्रेस है. सेंडर मीन्स जिसने चिट्ठी भेजी है. ठीक है, उसके बाद डेट, आपने किस डेट को ये लेटर लिखा है वो डेट मेंशन होगा. लेटर का भी सबका एक फॉर्मेट होता है ना, फॉर्मेट के अकॉर्डिंग हमें चलना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट द एड्रेस. ठीक है, जहाँ से हम, मतलब जो सेंडर है, सेंडर मतलब जिसको हम मतलब जो सेंड कर रहा है लेटर को. ठीक है, उसको बोलते हैं सेंडर. तो हमें अपना एड्रेस लिखना है, क्योंकि जो रिसीवर है, जिसको चिट्ठी मिल रही है, रिसीवर का जो एड्रेस है वो हम एनवलप में लिखेंगे. ओके, क्योंकि चिट्ठी तो ऐसे डालेंगे नहीं, वो एक एनवलप के अंदर डाल के डालते हैं ना. तो रिसीवर का जो एड्रेस रहेगा वो एनवलप में रहेगा, और लेटर पे किसका नाम रहेगा, किसका नाम, सॉरी किसका वो रहेगा एड्रेस, जो सेंडर है, जिसने चिट्ठी भेजी है उसका. ठीक है, जिससे कि जो लेटर पढ़ रहा है उससे समझ में आए कि ये चिट्ठी कहाँ से भेजी गई है. देन जिस डेट को ये लेटर लिखा गया है, जिस दिन ये लेटर लिखा गया है वो डेट लिखना है आपको. ठीक है, अब देखिए कंटेंट क्या है. ठीक है, लेटर का जो बॉडी है, मीन्स वर्ड्स क्या है, देखिए. डियर अंकल, वी ऑल आर डूइंग ग्रेट हियर. ठीक है, हम यहाँ पे क्या करें, मतलब जहाँ से वो लेटर लिख रहा है उसके बारे में बोल रहा है कि हम यहाँ पे अच्छे हैं. ग्रेट हियर मतलब डूइंग ग्रेट, मतलब हम अच्छा कर रहे हैं, या डूइंग ग्रेट का मतलब हम लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे अच्छे हैं. होप यू आर इन बेस्ट ऑफ योर हेल्थ टू, और आशा करते हैं कि आप भी स्वस्थ होंगे. इस लाइन का मतलब ये हुआ. ठीक है, एज़ यू नो माय 15th बर्थडे इज़ ऑन 25th ऑफ जनवरी, एंड सो माय मॉम एंड डैड आर प्लानिंग अ स्मॉल पार्टी एट होम. ठीक है, इसलिए मेरे माता पिता जो है वो क्या करें, एक छोटी सी पार्टी घर पे करने की सोच रहे हैं. I have invited a few of my school friends as well. मैंने अपने कुछ स्कूल के साथियों को भी बुलाया है. as well मतलब भी से होता है. ठीक है, I heartily want you aunt Anuj and Sarita to be present on my birthday.
मेरी दिली ख्वाहिश है, ठीक है, माई हार्टली वॉन्ट, सॉरी आई हार्टली वॉन्ट, मतलब मैं दिल से चाहता हूँ कि आप आंट मतलब चाची और अनुज और सरिता उसके दो भाई बहन, ठीक है, ये दो जो हैं मतलब उनके कज़न सिस्टर एंड ब्रदर जो है वो टू बी प्रेजेंट ऑन माय बर्थडे, आप सब जो है वो मेरे जन्मदिन पे प्रेजेंट हो मतलब उपस्थित हों। वी ऑल विल हैव फन टुगेदर, हम सब मिलके बहुत मज़े करेंगे। आई वॉन्ट यू टू कम अ डे बिफोर, मैं चाहता हूँ कि आप एक दिन पहले आए। एज वी ऑल वॉन्ट टू स्पेंड सम मोर टाइम विथ योर फैमिली, हम सब चाहते हैं कि हम आपके साथ एक मतलब सम मोर टाइम कुछ मतलब कुछ ज़्यादा समय बिताना चाहते हैं आपके परिवार के साथ। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई, आपके उत्तर के वेट में या आपके उत्तर की अपेक्षा में, ठीक है, योर लविंगली कुशल, ठीक है। इस तरह से आपने यहाँ पे एंड किया अपने लेटर को, उसके बाद अपना नाम लिखा, ठीक है। होप तो ये रहा आपका इनफॉर्मल लेटर, होप आपको समझ में आया।